जब से ये रेसिपी वायरल हुई है ना, लोग फ्रेंच फ्राइज को भूल से गए हैं। पता नहीं क्या खास बात है इस रेसिपी में, तो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं हमारी बढ़िया सी रेसिपी, जिसके लिए हमने लिए हैं आलू, और आलू को हमने धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को हम छिलके को ऐसे ही रहने देंगे, छिलके को नहीं निकालेंगे, और हम आलू को कट कर लेंगे। अब हम इसके और पीसेस कर लेंगे। अगर आपके आलू का साइज बड़ा है तो आप इसका एक पीस और उसको कर सकते हैं, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सारे आलू के जो हमने पीसेस किए हैं इसको हम डाल देंगे पानी में। ये हमने ठंडा नॉर्मल पानी लिया है, और इसको हम 10 मिनट तक पानी में भिगो के रखेंगे, जिससे कि जो आलू का स्टार्च है पूरी तरीके से अच्छे से निकल जाएगा। और अब हम गैस पर थोड़ा सा पानी गर्म करने रखते हैं। देखिए, हमने एक पतीले में पानी को गर्म करने रखा है, और जो हमारा पानी है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू के पीसेस को, और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे 2 से 3 मिनट तक उबले पानी में पकाना है। देखिए, हमने आलू को 2 मिनट तक उबलते हुए पानी में पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और 2 मिनट तक फिर से आलू को ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे, ताकि जो हमारे आलू एकदम सॉफ्ट हो जाए। देखिए, जो हमारे आलू है जिससे कि हमने गर्म पानी से निकाल लिया है, अब हम इसे निकाल लेते एक प्लेट में, और इसको हल्का सा कपड़े से पोंछ लेते, ताकि इसके ऊपर का जो पानी है निकल जाए। हमारे जो आलू है इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप इस पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और इसको हल्का हल्का सा इस पर कोट कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं कोटिंग वाला एक बैटर, जिसके लिए हमने एक बाउल में लिया है 2 चम्मच मैदा। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास में मैदा नहीं है तो आप उसमें चावल का आटा भी ले सकती है। तो इसमें हमने डाल दिया 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, और साथ ही थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो के बदले आप मिक्स हर्ब भी डाल सकती हैं, या फिर आपके पास जो सीजनिंग अवेलेबल है वो डाल सकती है, या अगर आपके पास में मैगी मसाला है वो भी आप इसमें डाल सकती है। और इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। ये एकदम ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बैटर में हम थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को और दुगना कर देगा, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस में रखते हैं कढ़ाई में तेल गरम करने। हमने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है, और जो हमारे आलू है जिससे कि हमने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है, इस पर हमने कोटिंग करने से क्या होता है ना कि इस पर जो हम बैटर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटर में इसको डीप करेंगे ऐसे, और इसको हम डाल देंगे गरम गरम तेल में, और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, और इन्हें क्रिस्पी होते तक, सुनहरा होते तक इसे तल लेंगे।
देखिए जो हमारे आलू है एक साइड से क्रिस्पी हो गए, अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेते हैं। देखिए जो हमारे पोटैटो फ्राइज है बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं ऑयल से। देखिए जो हमारे पोटैटो है एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं ऑयल से। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे आलू की ये नई रेसिपी, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप फ्रेंच फ्राइज को भी भूल जाएंगे। ये बनने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और इसे जब तोड़ेंगे हम, देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।